कितने वर्षों से है? हमारा कार्यकाल इस पंचायत में पिछले विगत 2011 से है। 11 से 16 तक हम यहाँ के, हमारी मम्मी मुखिया रही, हम उनका प्रतिनिधित्व करते आए हैं। अभी 16 से अभी तक हम यहाँ के मुखिया जी बच्ची कुंवर जी हैं, उनका प्रतिनिधि हैं और काफ़ी कुछ विकास हुआ है। मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना, जो कि पूरे बिहार में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना माना जाता है, इसको कितना सफल मानते हैं आप? मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना बहुत ही अच्छा योजना है। इससे जल शुद्ध सभी वार्ड में प्राप्त हुआ है और शुद्ध जल के लिए यह योजना बहुत ही लाभकारी है। जिस जिस वार्डों में वार्ड सचिव या वार्ड एक्टिव है, वहाँ यह योजना बहुत अच्छे तरह से काम कर रहा है। जहाँ थोड़ा सा इनएक्टिव है, वहाँ थोड़ा सा कमी आई, लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी द्वारा ऐलान हुआ है कि 2000 प्रति माह वार्ड क्रियान्वयन समिति को दिया जाएगा, जिससे इस काम में और समृद्धि आएगी और यह बहुत ही लाभकारी योजना सिद्ध होगी। आपके पंचायत में टोटल कितने वार्ड हैं? हमारे पंचायत में कुल 16 वार्ड हैं। कितने वार्ड ऐसे हैं जहां की जनता नल जल योजना का लाभ ले रही है और कितने वार्ड अभी भी इस योजना से वंचित हैं? अभी तक इस योजना का लाभ 15 वार्ड ले रहे हैं। एक वार्ड में भी इसका बाढ़ आने के कारण, पहले ले चुके हैं लेकिन बाढ़ आने के कारण रुक गया है, लेकिन फिर वो 2-4 दिन में चालू हो जाएगा। शिक्षा और चिकित्सा, जो कि समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, इसकी क्या स्थिति आपके पंचायत में? शिक्षा का स्थिति थोड़ा सा डैमेज है, इस पर मुख्यमंत्री को ध्यान देना होगा। शिक्षा का स्तर थोड़ा गिरा हुआ है और चिकित्सा में भी हॉस्पिटल हमारे यहाँ है 15 बेड का। डॉक्टर साहिबा हफ्ता में एक दिन आती हैं और 1-2 घंटा बैठती हैं, चली जाती हैं। लेडीज होने के कारण हम लोग कुछ बोलते नहीं हैं, क्योंकि एक नया ट्रेड चल गया है कि कोई अगर मुखिया कुछ बोला तो तुरंत जाके लिखा देगी मुखिया दबंग है और हमको बोलता है। जन वितरण प्रणाली की क्या स्थिति आपके पंचायत? जन वितरण प्रणाली अच्छे तरह से हमारे यहाँ काम इस बार की है लॉकडाउन में। वृद्धा पेंशन योजना और आवास योजना की क्या स्थिति आपके पंचायत? वृद्धा पेंशन योजना भी बहुत अच्छा है, अब ऑनलाइन होने से काफी सुविधा मिली है, लोग ऑनलाइन करा दे रहे हैं, परेशानी नहीं हो रही है। पंचायत की कुल जनसंख्या कितनी है लगभग? कुल जनसंख्या 20,000 से 25,000 के करीब है, वोटर से 81,000 के करीब है। वृद्धा पेंशन के कितने लाभार्थी होंगे लगभग आपके पंचायत? कम से कम 1400 से 1500। बाढ़ की क्या स्थिति है, जो बाढ़ आया था? और बाढ़ की स्थिति यहाँ बहुत भयावह थी, उस बाढ़ में यहाँ थोड़ा कर्मचारी द्वारा कामों में लापरवाही बरती गई है, जिसके कारण पंचायत में थोड़ा सा अफड़ा तफड़ी का माहौल है। 6,000 रुपया जो आना था वो कुछ लोगों को प्राप्त हुआ, कुछ डूबे लोगों को नहीं आया, कुछ ऐसे लोग को भी गलती से आ गया जो मतलब डूबे हुए नहीं थे, जिस कारण पंचायत में काफ़ी अफरा तफरी है, गामा गामी गाँव वाले। इसको लेकर हम कई बार सीईओ साहब को कह चुके हैं, अगर सीईओ साहब ने को आवेदन देने वाले हैं, डीएम साहब से भी बात होगी, अगर ऐसा हुआ कि उन लोगों का पेमेंट नहीं है तो अगर हाईकोर्ट भी जाना होगा तो बच्ची को हाईकोर्ट जाएंगे, लेकिन इस पेमेंट को दिलवा के छोड़ेंगे। इस तरह की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आप स्थानीय जिला पदाधिकारी महोदय से क्या अपील करेंगे? अपील करेंगे कि एक बार पुनः जाँच करवाएँ और जिनका वास्तव में घर डूबा हुआ है उनका जो 6,000 रुपया नहीं आया है वो दिलवा दिया जाए, और जो नहीं डूबा हुआ है उसको देने का कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा हम प्रतीत करते हैं। और उम्मीद भी करते हैं कि नए जिला पदाधिकारी अभी आए हैं और उनसे मिला जाएगा तो अवश्य जांच करके पंचायत में जो व्यक्ति बाढ़ के 6,000 रुपये के लाभ से वंचित रह गया है वो उनको प्राप्त होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। पिछले 5 वर्षों में पंचायत में विकास के कौन कौन से कार्य हुए हैं? 5 वर्षों में सभी प्रकार के कार्य हुए, मनरेगा से मवेशी शेड बना है 102 पीस, जो बिहार में किसी ने इतना नहीं बनाया है जो यहाँ तक मेरा आकलन है। स्कूल की बाउंड्रियाँ हुई हैं जो मनरेगा के अंतर्गत हुई हैं, कई सड़कें बने हैं। यूँ मान लीजिए कि जो पुराने सड़कें हमारे यहाँ एक भी कच्ची सड़क नहीं है, और जो नया सड़क जैसे प्राइवेट लोग मिल के निकाल रहे हैं वहीं 200-500 फीट भेल्दी पंचायत में ऐसा सड़क है जिसमें पाँक लगने की संभावना है, तो अपना भेल्दी पंचायत पाँक मुक्त भेल्दी भी आप कह सकते हैं, कोई भी कच्ची रोड यहाँ पे है नहीं। इस बार आपके चूंकि 2-3 महीने के बाद फिर पंचायत का चुनाव होने वाला है, आपके चुनाव का मुख्य एजेंडा कौन कौन सा होगा, क्या होगा? मेरे चुनाव का मुख्य एजेंडा होगा वही न्याय के साथ विकास, और जो सरकार का आदेश आएगा उसका पालन करते हुए और विकास का कार्य करना है।